हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सेल चैप्टर के PYQs कंटिन्यू कर रहे थे। ऑलरेडी 3 क्लासेस आर अपलोडेड ऑन माय चैनल, ठीक है। और बाकी आज हम 4th क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, 60 to 70 क्वेश्चंस को मतलब कवर करने की कोशिश करूँगी विद इन 1 आवर। और बाकी फिर जो बचेगा वो फिर उसको आगे नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अब तक हम लोगों ने मतलब बेसिक चीज़ें ही देखी थी, मतलब सेल के बारे में, सेल थ्योरी वगैरह से कई सारे क्वेश्चंस थे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो निकल के आ रहा है किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स से मतलब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आएंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। सो आई थिंक लेट मी जूम आउट, और आई थिंक इज इट सफिशियंट फॉर यू गाइज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 142 है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्लाज्मिड कैसा है। जो क्वेश्चंस नॉर्मल है वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस थोड़ा से मतलब डिफ़िकल्ट है या फिर थोड़े से नए हैं वहाँ पे थोड़ा सा अपन टाइम देंगे। तो प्लाज्मिड इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग DNA दैट कैन कैरी जीन्स इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। प्लाज्मिड क्या है? वैसे भी एक तरीके का सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि ओराई सीक्वेंस और जीन्स आर प्रेजेंट। ये इसका क्या है, स्पेशल फीचर हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कैरी आउट डायरेक्टेड मूवमेंट्स। अब ये चीज़ तभी पॉसिबल है ना जब यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या हो, साइटोस्केलेटन सिस्टम हो, ठीक है। और रीज़न में हमें देखो क्या दे रहा है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कभी साइटोस्केलेटन, वैसे भी हम लोग मतलब देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि साइटोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, साइटोस्केलेटन बनाती हैं। तो आई थिंक असर्शन का जो रीज़न है वो सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर ए होना चाहिए। यस, और डेफिनेटली आंसर ए है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाकी इफ़ यू गाइज फील द नीड यू कैन चेक आउट द डिटेल्स। यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं आपके साथ में। देखो, साइटोस्केलेटन इज अ क्या है, ये फाइब्रस और फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच कंस्टिट्यूट द सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। द साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना है विद इन द सेल। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किससे मिलकर बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है माइक्रोफिलामेंट्स की, तो ये एक्टिन के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल वर्ड आ रहा है ना, तो ट्यूब्यूल से देखो जाना ट्यूबुलिन प्रोटीन की तरफ। और माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक्टिन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि केराटिन, वाइमेंटिन या फिर डेस्मिन, इस तरीके से। ये 3 चीज़ें नई हैं यहाँ पर, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में। और माइक्रोफिलामेंट्स अगर पूछता है तो वो एक्टिन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है ये पॉइंट। बाकी साइटोस्केलेटन हेल्प द सेल टू मेंटेन इट्स शेप एंड गिव सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। साइटोस्केलेटन असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल्स बिटवीन सेल्स। इट फॉर्म्स सेलुलर अपेंडेजेस लाइक प्रोट्रूजन्स, प्रोट्रूड आउट होना मतलब निकलना, सच एज सीलिया और फ्लैजिला, वहाँ से निकलते हैं। तो साइटोस्केलेटन का जो मतलब बेसिक फंक्शंस था, मतलब वो क्या क्या था, साइटोस्केलेटन असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल्स बिटवीन द सेल्स, के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, और साथ ही साथ सेलुलर अपेंडेजेस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी वही यूकैरियोटिक हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कैरी आउट, सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म इन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉप्स। तो मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉप्स की बात की जा रही है। तो वहाँ पर देखो, अगर ऑटोट्रॉप की बात होती तब तो प्लांट में स्टार्च होता है, और यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स की बात की जा रही है। सो आर आंसर इज ग्लाइकोजन। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स वेयर एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। 145 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड
एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस आर सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, एंड सेंट्रियोल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और प्लास्टिड। तो देखो सेंट्रियोल जो था ये किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होगा, बाकी सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? प्लांट सेल में आ जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिफ्रेंशिएट हम किसकी बेसिस पे करेंगे? सबसे पहले ए वाला क्या था? वो सेल वॉल था। तो सेल वॉल की बेसिस पे मतलब जो जो डिफरेंट है दोनों में, तो सेल वॉल आ जाएगा, सेंट्रियोल आ जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में होगा और प्लास्टिड भी प्लांट में होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब सिंथेसाइज भी कर रहा है साथ ही साथ फैट को स्टोर भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? स्फीरोसोम। अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो ये होता कहाँ पे, इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इन सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैस्टर और बीन, सीड्स रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन लिपिड कंटेनिंग बॉडीज, जिसको क्या बोलते हैं? स्फीरोसोम्स बोलते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज विद सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ये तो हम देख ही चुके थे कि डबल मेम्ब्रेनस होगा या सिंगल मेम्ब्रेनस। बाकी देयर मेन फंक्शन आर कलेक्शन, ट्रांसलोकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट निकल जाती है किसके लिए? स्फीरोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड, बिल्कुल नहीं। पोलर टू पोलर जाएगा, नॉन पोलर टू नॉन पोलर जाएगा, सिंस दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, बिल्कुल सही है। द प्लांट सेल वैक्यूल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन, डेफिनेटली। गोल्जी एपरेटस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, नो। क्या बनाता है ये? मतलब प्रोटीन का काम तो राइबोसोम्स हो गया और ग्लाइकोलिपिड वगैरह SER बनाता है। प्लाज्मिड DNA शोज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यस डेफिनेटली। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती है ना वहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। ऑन सेल मैचुरेशन सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड एज डिपोजिशन टूवर्ड्स आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब प्लांट सेल वाला वो एनाटॉमी वाला लेक्चर मेरा आप देखिएगा, तो उसमें मैंने दो सेल्स मतलब ड्रॉ करके बताया था कि दो सेल्स के बीच में क्या कहानी होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे बाहर वाली जो होती है वो S1 होती है, देन नेक्स्ट सेकेंडरी अंदर, और फिर उसके बाद टर्शरी सबसे अंदर होती है, और इसमें जो S2 होती है यही सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वन होती है। बाकी एक बार देखिएगा उस लेक्चर को जा करके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर A, B और D निकल के आता है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन DNA। DNA किस में नहीं होता है? तो तीन में ही था DNA, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया था, एक क्लोरोप्लास्ट था और दूसरा न्यूक्लियस था। तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो है, इसमें DNA नहीं होगा, ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149। डिटेल्स देखते रहना साथ साथ में। विच वन इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है सिर्फ? तो सीधी सी बात है ग्लाइओक्सिसोम आ जाएगा, बाकी सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो एनिमल में आ जाएंगी, मतलब एनिमल प्लांट दोनों में आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ प्लांट की बात की जाए तो ये है। अब इसको देखो थोड़ा सा एक बार इसका जो है एक्सप्लेनेशन वो हम लोग देख लेते हैं। ग्लाइओक्सिसोम्स इज ओनली फाउंड इन प्लांट, ठीक है हो गया। उसके बाद में ग्लाइओक्सिसोम्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट पेरोक्सिसोम्स हैं। अगर कभी पूछता है आपसे कि ये क्या है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट पेरोक्सिसोम्स कंटेनिंग क्या होता है इनके पास? ग्लाइओक्सिलेट साइकिल को चलाने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। ग्लाइओक्सिसोम्स हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ द लिपिड रेसिड्यूज, लिपिड रेसिड्यूज को ये तोड़ने का काम करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट की सेल्स में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड एट सीड जर्मिनेशन के टाइम में। स्पेशल फैट स्टोरिंग टिश्यू कंटेन ग्लाइओक्सिलेट साइकिल एंजाइम, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A into succinate।
और ग्लाइऑक्सिजोम्स को मतलब डिस्कवर किसने किया था, तो वीवर्स एंड ब्रीडन बेक, या ब्रीडन बेच बेच करके भी आप मतलब इसको प्रोनंस कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ग्लाइऑक्सिजोम्स डिस्कवर्ड बाय बीवर्स एंड ब्रीडन बेंच, और उसके बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन है, फंक्शन नॉट एसोसिएटेड विद पेरोक्सिज़ोम, इसमें से क्या है जो पेरोक्सिज़ोम का फंक्शन नहीं है। तो नॉट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट है। तो कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड लिपिड टू कार्ब, नहीं ये नहीं हो सकता है। कैटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड, हाँ बिल्कुल, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर रहा था, ठीक है। इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोरेशन नहीं, फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व था, तो ये वाला भी नहीं होगा। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये हो गया, और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी नहीं है, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो 1, 3 और 4 ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाकी फंक्शन ऑफ पेरोक्सिज़ोम्स क्या है वो आप लोग एक बार यहाँ से इसको अपने नोट्स में यहाँ से कंसीडर कर लीजिए। जैसे देखो, सबसे पहला है, इन C3 प्लांट्स कंसर्न्ड विद द फोटो रेस्पिरेशन। पेरोक्सिज़ोम का काम क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन करवाता है ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिज़ोम तीनों मिलके। एनिमल्स में क्या होता है, कंसर्न्ड विद लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि अमाइनो एसिड यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन करवाता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी करवाता है, ठीक है। इन ब्रेन टिश्यूज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, एंड इन लीवर सेल्स कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस। सो अगेन दीज पॉइंट्स आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट 151 क्वेश्चन क्या कहता है, H2O2 इज कन्वर्टेड टू वाटर, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये H2O2 है, ये किस में टूट रहा है, ये H2O में टूट रहा है प्लस हाफ ऑक्सीजन में, एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर ऑक्सीजन में बाय एन एंजाइम। तो वो जो एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो पेरोक्सिज़ोम में ही प्रेजेंट होता है। और अगर आपने मतलब ठीक तरीके से फोटो रेस्पिरेशन वाला अगर प्रोसेस पढ़ा है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल वहाँ पर चलती है। बाकी पेरोक्सिज़ोम्स आर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन हो गया, विच हैज़ डेंस एंड ग्रेन्यूलर स्ट्रोमा कंटेनिंग, उसमें क्या क्या होते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमाइनो ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, विच प्रोड्यूस द H2O2 विच इज़ हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बाकी जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है, जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलेट एंड कैटलेज एंजाइम्स को बनाता है। और वो क्या कैटलेज एंजाइम्स क्या करते हैं, नाम ही जैसे देखो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, कैटलेज मतलब तोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये H2O2 को किस में ब्रेक कर देता है, वाटर और ऑक्सीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो जितने सारे एंजाइम्स वगैरह यहाँ पे निकल के आते हैं ना, इन सबको साथ साथ में वहीं पे लिख लिया करो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन, कह रहा है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को, तो सबको पता है, आप तो आंसर निकाल ही ले रहे हो, आप क्या है, पेरोक्सिज़ोम्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अकर्स इन पेरोक्सिज़ोम्स, दिस ऑर्गनल्स कंटेन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन विच ब्रेक डाउन लॉन्ग चेन फैटी एसिड टू जनरेट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, विच सेलुलर कंपोनेंट आर फाउंड इन माइकोप्लाज्मा स्पायरोसाइट्स एंड रिकेट्सिया, तो डीएनए राइबोसोम आरएनए सारी चीज़ें होंगी। इन प्रोटोप्लाज्म फैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो फैट किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, हमेशा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट पूछ रहा है, एनिमल सेल नेवर कंटेन क्लोरोप्लास्ट अनलाइक मैनी प्लांट सेल, हाँ बिल्कुल सही है, एनिमल सेल कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट, गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोट, सबको पता है, मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर निकल के आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट है 157 क्वेश्चन, माइक्रोफिलामेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ, तो अभी हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि वो किसके बने होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए यहाँ पर किसके पास नहीं होगा, तो पेरोक्सीसोम के पास नहीं होगा डीएनए। 158 यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 159, म्यूरामिक एसिड से पूछ रहा है, म्यूरामिक एसिड आप सभी को याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है तो एक बार बैक्टीरिया वाला चैप्टर जाके पढ़िएगा। इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। बाकी एक बार इसका कंपोजिशन हम सभी देख लेते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन, या इसी को पेप्टाइडोग्लाइकन भी, तीनों नाम याद रखिए क्योंकि तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, सेल वॉल बैक्टीरिया की किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन बोथ यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ निकल गई यहाँ पे। उसके बाद में म्यूकोपेप्टाइड में क्या होता है, तो इसमें नैग और नैम का अल्टरनेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, बोथ द अल्टरनेटिंग यूनिट। अब कई बार ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आता है कि ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, तो आपको बताना है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी PYQ की फॉर्म में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो सेल वॉल बैक्टीरिया की क्या क्या कहलाती है, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह हो गया। फिर प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है, यू बैक्टीरिया साइनो में हो गया। क्या है म्यूकोपेप्टाइड, मतलब किस किस से मिलके बना होता है, तो नैग और नैम का कंपोजिशन होता है। और कैसे होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक नैग का एक नैम का, एक नैग एक नैम, और दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग होती है, कनेक्शन जो होता है दोनों के बीच में, वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कनेक्शन होता है। ठीक है, द डिफरेंट चेन ऑफ नैम एंड नैग आर इंटरकनेक्टेड बाय टेट्रापेप्टाइड लिंकेज विच कंसिस्ट ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट है 160 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। सबको पता है डबल मेम्ब्रेन, अब हमारे पास तीन ही सेल ऑर्गेनेल थे और तीनों यहाँ पे मेंशन है। 161 देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। जैसे सबसे पहले है डिवॉइड ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं है जिसके पास, तो वो क्या है, सीधी सी बात है सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरियम होगा, ऑलरेडी मैच्ड। रॉड शेप्ड की बात की जाए तो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। बैक्टीरिया इन पेयर, निमोनिया में डिप्लोकोकस इस तरीके से होते थे ना, डिप्लोकोकस निमोनिया, तो वो किस में है, निमोनिया हो जाएगा। और कॉमा शेप्ड कॉलरा में आ जाएगा। तो हमारे आंसर्स क्या हैं, 1 और 4, ये सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। बाकी डिटेल्स की नीड है, सो यू गाइस कैन नोट डाउन हियर। बैक्टीरियल फ्लैजिला किसका बना होता है, सीधी सी बात है वो प्रोटीन का बना होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको फ्लैजिलिन बोलते हैं। ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला मेड अप ऑफ प्रोटीन, द प्राइमरी प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज फ्लैजिलिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो बाकी जो यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनका ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, इसका बैक्टीरिया वाला जो है ये फ्लैजिलिन है। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो वो किसका होता है, ट्यूबुलिन का हो जाएगा। नेक्स्ट है 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मे रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के बारे में, एन ऑक्सीजेनिक आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो एजिटोबैक्टर, राइजोबियम और ये सारे तो ऑक्सीजेनिक हो जाएंगे। क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये हमारा क्या है, एन ऑक्सीजेनिक है। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब विच कैन सर्वाइव विदाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन, सर्वाइव इन द सेंस कि वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह जो है वो बिना ऑक्सीजन के ही कैरी ऑन करता है। अब नेक्स्ट एक अलग क्वेश्चन, मतलब मैंने देखा आप सभी को मे बी आई थिंक पता हो, नहीं पता है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये CGPMT 2006 का क्वेश्चन है, बट मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। वाई, क्योंकि देखो आप सभी ने आर्किबैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, और आर्किबैक्टीरिया में भी आपने बेसिकली 3 क्लासेस पढ़ी हैं। ठीक है, मतलब हेलोफाइल्स होते हैं,
थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं और बाकी मिथेनोजेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया पूछ रहा है ये है बैरोफिलिक बैक्टीरिया। बैरो मतलब बैरो वर्ड देखो किससे होता है, आपने प्रेशर पढ़ा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है ना, और उसको मेजरिंग जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स मतलब बैरोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहना पसंद करते हैं या फिर मतलब उसमें सर्वाइव कर सकते हैं ये कह सकते हो। तो ग्रो स्लोली इन हाईली अल्कलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई अल्टीट्यूड, नहीं अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, नो ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स। देखो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, समुद्र वगैरह में देखो, जब आप जितना डीप 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 जाते रहोगे वहाँ पे क्या है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। जिन बच्चों ने जैसे कि सबमरीन वगैरह की, पनडुब्बी वगैरह की जो मूवीज़ वगैरह है उसमें अगर देखा होगा, तो एक और अभी रिसेंटली नहीं मतलब हो गए 5-6 साल वो आई थी, उसको देखना, मतलब पाकिस्तान का कुछ वो होता है हमारी इंडियन सबमरीन को मारने के लिए आता है, तो उसमें देखो कि ऐसे जब वो शिप एकदम नीचे नीचे जाता है तो उस पर कितना प्रेशर क्रिएट होता है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे। बैरोफिलिक बैक्टीरिया, अब देखो यहाँ पे बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पाइज़ोफिलिक, ठीक है, नोट्स में अपने तुरंत मेंशन करो इसको, पाइज़ोफिलिक या फिर इसको बारो टॉलरेंट, मतलब प्रेशर को बर्दाश्त करने वाली या बियर करने वाले, आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव एंड मल्टीप्लाई इन हाई प्रेशर एनवायरमेंट, पर्टिकुलरली इन डीप सी ओशियन सेडिमेंट्स वेर प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, द टीलोमर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने किसी एग्जाम में भी देखा है, ऑलरेडी मनीबाल का है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं और भी टीचिंग एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट सीक्वेंसेस जो हैं वो किसके देखने को मिलते हैं, तो वो गुआनाइन रिच होता है, ठीक है, गुआनाइन रिच रिपीट्स होते हैं। एक बार देख लेते हैं डिटेल्स में क्या कह रहा है, द टीलोमर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ गुआनाइन रिच रिपीट्स, दीज रिपीट्स आर टिपिकली, ये क्या होंगे, TA मतलब ये याद रख लो, ये कहाँ पे वर्टिब्रेट्स में हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। टीलोमेयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फ्यूजन, दस मेटिंग मतलब मेंटेनिंग द क्रोमोसोम्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं, टीलोमेयर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ गुआनाइन रिच होता है, TTA GG है वर्टिब्रेट्स में और साथ ही साथ ह्यूमंस में, और बाकी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फ्यूजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, द चीफ कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमेला, मिडल लैमेला ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, इसीलिए उसको कैल्शियम या मैग्नीशियम, कई बार मैग्नीशियम पैक्टेट भी देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में हम जो है वो आंसर कैल्शियम पैक्टेट ही मानते हैं। मिडल लैमेला इज़ अ थिन अमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मतलब डायग्राम के थ्रू मैंने वहाँ पे बताया भी था कि कैसे मतलब ये कहाँ पे रहता है, अमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर हेल्प इन ज्वाइनिंग द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स के केस में है, ये मेन कंपोनेंट मिडल लैमेला का कैल्शियम पैक्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है, सॉरी 167, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन GIC में भी पूछा था अभी 2021 वाला था, कि बैक्टीरिया के जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो देखो क्या कह रहा है, जीनोफोर, ठीक है, व्हाट वी कॉल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, जीनोफोर, और इस टर्म को कॉइन किया किसने किया था, आई थिंक पता होगा आपको, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ये कॉइन किया गया था हंस रिस करके, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको कॉइन किया था, ठीक है, RIS साथ में ही है, और ये क्या था, एक तरीके मतलब बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को ही हम किस नाम से और जानते हैं, जीनो फोर के नाम से जानते हैं।
जीनोफोर कॉइंड बाय हंसरेस टू रिफर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम मेन जेनेटिक मटेरियल है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। कैसा होता है ये देखो, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद इन द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, इसमें से प्रोकैरियोट कौन है? तो अमीबा प्रोटिस्टा में आ गया, बैक्टीरिया ही है जो कैसा है, प्रोकैरियोट है, बाकी स्पायरोकैरिया, क्लैमाइडोमोनास ये सारे यूकैरियोटिक हो जाते हैं। 170 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, एंडोस्पोर कहाँ देखने को मिलता है? तो सबको पता है बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी म्यूकर, सेक्रोमाइसिस और राइजोपस ये सारे फंगस है, और फंगस कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, स्पाइरिला, कॉक्साई, वाइब्रियो और बेसिलाई, तो इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मेंशन है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इसमें से कौन सा होता है, तो वाइब्रियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 172, द मोस्ट स्टडीड प्रोकैरियोट, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला प्रोकैरियोट, तो सबको पता है कि एस्चेरिशिया कोलाई, इसके बिना हमारी मतलब प्रोकैरियोट की जो स्टडी है वो अधूरी मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी ये इसमें किया गया था। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और उन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मीरोजाइगोट, मीरोजाइगोट कहाँ पे देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 173 में है, मीरोजाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन ई कोलाई ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल डिप्लॉयड सेल रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ प्लाज्मिड कैरिंग स्पेसिफिक जीन्स इन टू रिसिपियंट बैक्टीरियल सेल हो गया। नेक्स्ट है 174, क्या कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल द अमाउंट ऑफ बेसिक प्रोटीन्स आर ऑफन फाउंड टू बी, तो मतलब यूकैरियोट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मोर देन द अमाउंट ऑफ डीएनए से ज़्यादा जो है वो बाकी बेसिक प्रोटीन्स वगैरह इसमें होते हैं। डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, देखो क्या कह रहे हैं डिटेल्स में, इन यूकैरियोटिक सेल्स अमाउंट ऑफ बेसिक प्रोटीन इज ऑफन फाउंड टू बी इक्वल टू बी मोर देन द अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, या तो उसके बराबर होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑल द बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी इन एनी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट है 175, इन विच सेल ऑर्गनल इज लिपोप्रोटीन कवरिंग इज एब्सेंट, तो राइबोसोम्स के ऊपर किसी भी तरीके की कवरिंग यहाँ पे मतलब एब्सेंट है। 176 है, विच सेल ऑर्गनल इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यू नो दैट, राइबोसोम। 177 है, द सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फ्यूजिंग अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस, ये उसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का सबने डिटेल डायग्राम पढ़ा है मैं ऐसा मानती हूँ। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गनल बिलो लेवल्ड, ये मतलब 5 सेल ऑर्गनल्स यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है और हमें इनका फंक्शन बताना है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो आप इजीली सबसे पहले तो इनको क्या करो, इनको खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सा क्या है। जैसे बी की बात करें तो ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर डी जो है ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है। सी क्या है, ईआर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये राइबोसोम उस पर लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में ए की बात करें तो ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़ हैं। और ये ई वाला जो है ये क्या है, लार्जेस्ट वैक्यूल। अब देखो क्वेश्चन में एक बार हम रीड करते हैं ऑप्शंस को ध्यान से, कि सबसे पहले ए ऑप्शन पे चलते हैं। ए क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक। हाँ ठीक है, ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही तो बोलते हैं ना, तो ए जो है ये हमारा सही है। उसके बाद में बी की बात करते हैं तो कह रहा है कि साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल चलती है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो बी सही है। सी है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब विद इन सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट, तो ईआर के थ्रू ही होता है ना सारी चीज़ें। देखो न्यूक्लियस से जो कुछ भी बनता है फिर यहाँ
ER के पास आता है, ER से फिर गोल्जी के पास और इस तरीके से, तो ये भी सही है। और डी जो है वो हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट है, साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट को यूज़ करके फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, और फोटो का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, तो ये सही है। और ई क्या है, स्टोरेज ऑफ सेल सैप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप सभी इसको ध्यान से मतलब अटेम्प्ट कीजिए, एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को आप पहले अपने तरीके से शॉर्ट आउट करो, देन आंसर्स को पिक आउट करो। नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड, तो सबको पता चल गया अब तो परोक्सीसोम्स हो गया। नेक्स्ट है 180 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब इसमें से कौन सा है जो नहीं है, ठीक है, नॉट बोल रहा है। अमीबा प्रोटीएस यूकैरियोटिक है, पैरामीशियम कॉडेटम है, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, बच्चे बैक्टीरिया क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट है 181, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, इस न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ 9 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, नहीं 9 नहीं होते हैं वहाँ पे, कितने 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं H, और फिर बाकी एक लिंकर होता है H1, ठीक है, बाकी 4 अलग अलग का एक ऑक्टेन ऑक्टामर बनता है। फिर बी वाले की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड अकर इन परोक्सीसोम्स, तो यही क्या है यहाँ पे, सही है। बाकी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कंटेंट 2 अनइक्वल आर्म, बिल्कुल नहीं। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेंट एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस, नहीं। तो हमारा आंसर जो है वो क्या निकल के आता है, बी दिया है वही परोक्सीसोम, स्मॉल ऑर्गेनेल है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये सब आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट वंस अगेन फॉर यू। हाँ, न्यूक्लियोसोम का थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूक्लियोसोम कंपोज्ड ऑफ ए लिटिल लेस देन 2 टर्न ऑफ DNA रैप्ड अराउंड अ सेट ऑफ 8 प्रोटीन ऑक्टामर्स, जो मैंने बताया था हिस्टोन्स का, जिनको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और बाकी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज लोकेटेड एट द टर्मिनल एंड, तो क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही आर्म होती है, इस तरीके से होता है ना ये, ऐसा तो दो आर्म होने का तो मतलब ही नहीं है। और बाकी हिस्टोन वाले में ये देखो, ये होता है H2A, H2B, H3 और H4, और इन चारों का मतलब एक ऐसे करके 1 2 3 4, इन चारों का वो एक बॉल जैसा होता है, फिर इनको जोड़ने वाला जो काम करता है वो यहाँ पे H1 करता है, जिसको लिंकर हिस्टोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट इंटू कार्ब, ठीक है, फैट को कार्ब में चेंज कर रहा है, तो क्या है वो, ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी देख लीजिएगा, मैं फिर से नहीं पढ़ने जा रही हूँ उसको। बाकी ये देखो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट परफॉर्म ग्लाइक्सिलेट साइकिल, वही सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रही हूँ मैं इसको, मतलब देख लेना इसको। नेक्स्ट है 183 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अब यहाँ पर रॉन्ग बताना है। HIV वायरस हैज़ RNA इट्स जेनेटिक मटीरियल बेस, बिल्कुल ठीक है। HIV वायरस रेप्लिकेटेड इन TH लिम्फोसाइट, तो हेल्पर सेल्स को ही मारता है, बिल्कुल सही है। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव फॉर एड्स ट्रीटमेंट, हाँ, क्योंकि पूरी तरह से ये क्योरेबल नहीं है अब तक। HIV स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और शेयरिंग नीडल विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड नॉट मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बाकी अनसेफ सेक्स और मतलब यूज नीडल वगैरह हो गया, कंटेमिनेटेड ब्लड वगैरह, इन सारी चीज़ों से होता है। क्या है, द टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ एड्स सिम्टम में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू वीक, या फिर कई बार ये 4 से 5 साल भी लग जाते हैं इसके सिम्टम्स को आने में, तो ई ऑप्शन जो है वो सही, मतलब यहाँ पे क्या है, गलत है, मतलब क्योंकि ये फ्रॉम फ्यू आवर्स टू वीक नहीं, इसको कम से कम ये मान के चलो कि 4 से 5 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम्स को पूरी तरह से बॉडी में अपियर होने के लिए, तो यही गलत है, बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट है 184, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनको मैच करवाना है। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
उसके बाद में स्फीरोसोम, डिक्टियोसोम, परोक्सीसोम और इलायोप्लास्ट। इलायो क्या था? फैट और ऑयल का था। ई का टू सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है जो ई का टू दे रहे हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक, डिक्टियोसोम्स, परोक्सीसोम का फोटोरेस्पिरेशन में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परोक्सीसोम C3 साइकिल में, ये फोटोरेस्पिरेशन वाला काम चलता है, ठीक है, डी सही है। डिक्टियोसोम्स की बात करते हैं तो डिक्टियोसोम्स को हम लोग प्लांट ग्लाइऑक्सीसोम्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टैक ऑफ सिस्टर्नी हो जाएगा, तो सी का वन हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और स्फीरोसोम्स क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, तो बी का थ्री। और ये तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। बाकी डिक्टियोसोम का एक बार देखो यहाँ पे क्या है, प्लेट या स्टैक फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। एक्चुअली मैं फटाफट कवर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो पाते हैं हमारे। यहाँ पे 185 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट फ्रॉम द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या नहीं होता है? तो सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। 186 है, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इज नॉट हैविंग, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट है 187, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एबसेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एबसेंट है, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड नहीं होता है। 188 क्वेश्चन कह रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स इज एन इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस एचआईवी सेलेक्टिवली इन्फेक्ट एंड किल बी लिम्फोसाइट। नहीं, एच लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल्स को मारता है, टीएच सेल्स को, तो यही क्या है, सी वाला जो है ये गलत है और हमें रॉन्ग ही बताना था यहाँ पे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 189, द रिएक्शंस ऑफ पेंटोज PPP, तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, रेस्पिरेशन वाले उससे है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि सेल ऑर्गेनल से जुड़ा हुआ है, सेल से। PPP इज ऑल्सो नोन एज HMP, इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, या PPP पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एक्ट एज प्रिकर्सर टू न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, के लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है। द PPP पाथवे इज अ मेटाबॉलिक पाथवे विच इज कैरिड आउट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। दिस पाथवे अकर्स पैरेलल टू ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। दिस पाथवे प्रोड्यूसेस पेंटोज फ्रॉम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से पेंटोज का फॉर्मेशन करता है। द पाथवे टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन मोस्ट ऑफ द पाथवे टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म इज मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इन केस ऑफ प्लांट देयर आर सर्टन रिएक्शंस विच अकर्स इन प्लास्टिड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। नेक्स्ट है 190, है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें उसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट, तो प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? कंप्राइजेस इंट्राजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात एकदम सही है। प्राइमरी सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बात भी सही है, तो ये हो जाएगा। बाकी फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस नहीं बनाता है ऑलरेडी ये, मतलब गोल्जी ट्यूब्यूल्स और इन सारी चीज़ों से बनता है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, वैसे देख एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी, ठीक है, कौन बनाता है? ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे गोल्जी वेसिकल्स की बात की जा रही थी, तो कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी बनाएगा, ना कि न्यूक्लियस। इनिशियली कंटेन्स द कॉन्ग्रुएंट ओरिएंटेशन ऑफ द कॉर्टिकल अरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच लाइज जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल लाइन जस्ट आउटसाइड। इन द प्रोग्रेसिव स्टेजेस फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म्स बैरल शेप्ड ऑर्गन विद माइक्रोट्यूब्यूल गोल्जी अपरेटस राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द प्राइमरी सेल वॉल इज असेंबल्ड बाय डिपोजिशन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो ये था कुछ थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में। अगेन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सभी को पता है,
192 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेज और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो पेग और सोडियम नाइट्रेट पहला ऑप्शन है जो मतलब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने में हेल्प करता है, ठीक है, इनहेंस बढ़ावा देना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पेग, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट। बाकी ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, इंडोल एसिटिक एसिड एंड कार्निटिन, इंडोल एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिन, बाकी नहीं तो पेग ही था। ये आपने उसमें पढ़ा होगा बायोटेक वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में, तो पेग एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। पेग का तो पता था, सोडियम नाइट्रेट का थोड़ा सा मतलब वो रहता है, तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इनहेंसेज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज फिजिकल फिनोमिनन विच अकर्स ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल। अब तो पता ही चल गया होगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल सब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और नोट करो अभी इसको। बाकी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल सोडियम नाइट्रेट आर मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजिंग इंड्यूसिंग एजेंट्स विच आर कॉमनली नोन एज केमिकल फ्यूकोजेंस के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 193 क्वेश्चन, कह रहा है अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। तो अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जब आप सेल वॉल निकाल दोगे तो अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, और प्रोटोप्लाज्म के बाद फिर उसमें से अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल देते हो तो प्रोटोप्लाज्म बचता है अंदर, ठीक है। ये बेसिक्स है, ऑलरेडी पहला लेक्चर है उसी में बताया गया है, जिन बच्चों ने यहाँ से ज्वाइन किया है इन बिटवीन तो वो फिर से इसको जा करके देख सकते हैं। 194 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटेल्स देखो आप लोगों को ज़रूरत है ना तो पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा सा बीच में होल्ड कर देती हूँ एक फॉर फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट है 194, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम ही क्या है, देखो बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। क्लोरोफिल, थैलेकोइड, बी का 2 हो जाएगा तो बी का 2 इन दोनों में दिया है। क्रिस्टी, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी का 1 हो जाएगा तो यही ऑप्शन निकल के आता है। और सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, बाकी राइबोसाइम्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। इनके बारे में एक यही क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीनिशियस नेचर के नहीं होते हैं, तो ये कौन से हैं, राइबोसाइम्स ही हैं। अपना सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं, मोस्टली प्रोटीनिशियस के नेचर के होते हैं, लेकिन ये राइबोसाइम्स जो हैं ये प्रोटीनिशियस नेचर के नहीं होते हैं। सही बोल रहा हूँ ना, शायद अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में आप लोग। बाकी ये डिटेल्स हैं बच्चे, इसको आप एक बार डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। राइबोसाइम्स का देख लेते हैं, राइबोसाइम्स ऑल्सो टर्न एज RNA मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल बायोकेमिकल रिएक्शंस, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सेल्फ स्प्लाइसिंग। दिस क्वेश्चन इज अ ह्यूमन RBC इज प्लेस्ड इन 1.5% ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन एम्स का है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ दी टफेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, या बहुत अच्छी रैंक वालों को ही एम्स वगैरह मिलता है, ठीक है। सो इन ह्यूमन RBC, अगर हम ह्यूमन RBC को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, 1.5% सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा वो। अब 1.5% जो सॉल्ट सॉल्यूशन है डेफिनेटली वो कैसा है, हाइपरटोनिक ही है ना, तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। बाकी डिटेल्स देखिए एक बार, ह्यूमन RBC आइसोटोनिक फॉर 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए आइसोटोनिक होता है। जिनको नहीं पता था वो डिटेल्स यहाँ पे लिख लो कि अगर इससे ज़्यादा अगर 1 दे देगा ना एग्ज़ाम में तो भी वो श्रिंक वाले कंडीशन में जाएगा। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ह्यूमन RBC कैसा है, हाइपोटोनिक होता है, और ये कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो सेल इसमें से क्या है, निकल आएगा, यानी कि एग्जोस्मोसिस हो जाएगी और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। RBC इज एन एनिमल सेल, एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन दिस बिकॉज व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एग्जोस्मोसिस होती है विल अकर एंड द सेल विल लूज वाटर, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 196, इन प्लांट सेल पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विद, तो सबको पता है फोटो रेस्पिरेशन करवा रहे थे उसमें। बाकी डिटेल देखिएगा, ये भी AIPMT 93 का था। HIV वायरस अफेक्ट, तो सबको पता है हेल्पर टी सेल्स को ये अफेक्ट करते हैं, तभी हमारी पूरी इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म कर देते हैं।
डिटेल्स देखने की नीड है क्या? चलो देख लेते हैं। अच्छा, वी फाइंड द वाइट ब्लड सेल्स CD4 सेल्स, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। HIV फाइंड टू CD4 मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ हेल्पर टी सेल्स, के सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स या मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं एंड रेप्लिकेट्स विद इन देम, उन्हीं के अंदर क्या करता है, मतलब कि जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है, रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ CD4 प्लस सेल्स एंड लीड्स टू अ स्टेडी डिक्लाइन इन दिस पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स क्या है, उनकी पॉपुलेशन को धीरे धीरे डिक्लाइन कर देता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्लो लॉस ऑफ CD4 सेल्स इज नॉट क्लियर। टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट्स मेजर कंपोनेंट ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। देयर रोल इंक्लूड डायरेक्टली किलिंग इन्फेक्टेड होस्ट सेल, एक्टिवेटिंग अदर इम्यून सेल्स, प्रोड्यूसिंग साइटोकाइनेसिस एंड रेगुलेटिंग द इम्यून सेल्स। और बाकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स दो तरीके के होते हैं। 198 कह रहा है यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास में क्रोमैटिन फाइबर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या डेफिनेट न्यूक्लियस। भाई बिल्कुल डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, हैविंग न्यूक्लियर बाउंड्री, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ऑल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है, मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल है तो सीधी सी बात है उसके पास सब कुछ होगा। बाकी ये देखो वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिया गया है और मैंने आपको एक ही जगह सब बता दिया था। नेक्स्ट है 120, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑफन रिफर्ड इन रिलेशन विद एड्स, तो HIV क्या है, थाइमस है, ठीक है, वहीं पे इनका लिम्फोसाइट्स का जो है वो मैचुरेशन वगैरह होता है, बनते तो कहाँ पे हैं, बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन यहीं थाइमस में होता है। बाकी डिटेल आप लोग पढ़िएगा, वेस्ट बंगाल JEE का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 201 सवाल क्या कह रहा है, द सेल ऑर्गेनल आर फाउंड इन, तो सेल ऑर्गेनल सबको पता है कहाँ पे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। 202 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फीचर ऑफ परोक्सीजोम्स इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में परोक्सीजोम्स का क्या फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन वारधा में पूछा गया था 2015 में। तो दे कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स एंड प्रोमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा ये। परोक्सीजोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड प्रोडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद इन द सेल। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन परोक्सीजोम्स की क्या है विद इन द सेल आर ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस प्यूरिन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो। That is adenosine's mono AMP2 uric acid. It contains the enzyme called D-amino acid oxidase, which oxidizes amino acid. It also oxidizes or metabolizes alcohol and drug in the liver by peroxisomal catalase. ठीक है, ये भी क्वेश्चन, मतलब ये पॉइंट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है 203 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट HIV के लिए, तो क्या ही करते हैं, एलिजा होता है वहाँ पे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट SAA इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये रहा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट SAA। बाकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग सबको पता ही है किसके लिए होता है, ये प्रोटीन्स के लिए। साउदर्न ब्लॉटिंग DNA, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA के लिए होता है। PCR का पता ही क्या होता है, एम्पलीफिकेशन वगैरह किया जाता है वहाँ पर DNA सैंपल्स का। नेक्स्ट है 204 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एनिमल सेल नेवर कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन था, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अच्छा निकल के आ रहा है, टोनोफाइब्रिल्स ऑफ डेस्मोसोम्स, ठीक है, टोनोफाइब्रिल्स ऑफ डेस्मोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो ये केराटिन और डेस्मिन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स में देखो। डेस्मोसोम फाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड अदर प्रोटीन। डेस्मोसोम्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल एडहेशन, ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। यहाँ पे दे आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। नेक्स्ट है 206 है, मैच्योर प्लांट सेल में क्या होगा, तो सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें, तो इसका बी सी दोनों भी हो सकता है, डी ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट है 207 क्वेश्चन, कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है क्रोमा, क्रोमा फॉर कलर, तो स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ सेल, नहीं, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन शेप, नहीं, इंक्लूजन बॉडी, नहीं, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सो डी इज द मोर अप्रोप्रिएट, साइनोबैक्टीरिया एंड रोडोस्पाइरुलम में मेन पिगमेंट कैरोटीनॉइड और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बाकी ये क्या होते हैं, कलर्ड वेसिकल्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, जिनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर, इट इज स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है 208 सवाल, क्या कह रहा है, बैक्टीरियम हैव फ्लैजिला विद ऑल ओवर द बॉडी, पूरे उस पर है तो पेरिट्राइकस हो जाएगा, अगर सिर्फ एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस हो जाएगा, और दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस हो जाएगा, और अगर एक ही इस पर बहुत सारे हैं मतलब गुच्छा है तो ये कहलाता है सिफेलो, सिफेलो मतलब होता है हेड, ठीक है, तो ये सिफेलो ट्राइकस हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ मतलब ऐसे टफ्ट है तो ये लोफोट्राइकस कहलाता है, ठीक है, ये सब सबको मालूम होगा, मुझे मालूम है, ठीक है। पेरिट्राइकस मतलब जैसे एस्चेरिसिया कोलाई है, पूरी बॉडी पे इस तरीके से ऐसे सीलिया या फ्लैजिला पड़े होते हैं तो ये चीज़ हो जाएगा, पेरिट्राइकस हो गया। एम्फी मतलब दोनों तरफ एक एक, मोनो मतलब सिर्फ एक साइड में, सिफेलो सिर्फ एक तरफ में, टफ्ट की जब टफ्ट की बात होगी तो एक तरफ है तो सिफेलो और दोनों तरफ है तो लोफो हो जाएगा, बाकी ये सब देख लेना आप लोग। 209 सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको, विच इज़ करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए जो सेल वॉल की बात की जाती है तो वही था यहाँ पे, क्या था, नैग, ठीक है, और बाकी थोड़ा डिटेल में बैक्टीरिया पढ़ना है या जानना है उसके बारे में तो मेरे चैनल पे वीडियो है, देखिएगा जाके, ये बीएमसी का है। 210 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स क्या है, आर कंसर्न्ड विथ, तो ये सेल एडहेरेंस में रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी हरियाणा एस्टेट भी शायद फिर से आने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो जिन बच्चों को देना है एस्टेट बायोलॉजी के उससे वो थोड़ा सा मतलब ध्यान से इन क्लासेस को देखते रहिए। एडहेशन था रेंडमली क्लस्टर्ड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्मोसोम्स बोलते हैं, आर वन ऑफ द जंक्शनल कॉम्प्लेक्स और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स ऑफ सेल एडहेशन, दिस फाउंड इन टिश्यूज सच एज कार्डियक मसल टिश्यूज, ब्लैडर टिश्यूज या फिर GI, म्यूकोसा, एपिथीलिया, इन सब में रहता है। बाकी एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब टाइम क्या, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको कई जगह पे मतलब देखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो, कई बार मैंने देखा है, किसी एग्ज़ाम में भी आया हुआ है मतलब टीचिंग वाले में, और बाकी ये क्वेश्चन कहाँ का है तो ये देख लो, मणिपाल का है, ठीक है, मणिपाल 2008 का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार ही पूछा गया एग्जाम्स में, तो देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो क्या है, कह रहा है कि अ बैक्टीरियम डिवाइड्स आफ्टर 35 मिनट, मतलब जनरली वैसे बैक्टीरिया का क्या मानते हैं हम लोग कि 30 मिनट बाद डिवाइड हो जाता है, ईस्ट का 90 मिनट है, ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीज़न है वो 24 आवर्स लेता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए कितना दिया गया है डाटा, 35 मिनट में, ठीक है। इफ़ अ कल्चर कंटेनिंग 10^5 सेल्स पर ml, मतलब अगर कोई कल्चर है और वहाँ पे कितने सेल्स हैं हमारे पास, 10^5 का मतलब होता है 10 के साथ में, इफ़ कल्चर कंटेनिंग 10^5 सेल्स पर ml इज़ ग्रोन, ठीक है, मतलब ये डाटा हमें दिया गया है कि एक मतलब जो गिवन है वो है कि 10^5 सेल्स पर ml इज़ ग्रोन, द सेल कंसनट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट, तो 175 मिनट के बाद में क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा के मतलब बताती हूँ, ठीक है, बाकी यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में दिया है, जब अभी आप थोड़ा डिटेल में समझ लोगे तो ये खुद ही कर लोगे। देखो इसमें गिवन में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है पहले तो वो देख लेते हैं, तो देखो जैसे सबसे पहले तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल टाइम हमें कितना दिया है, मतलब 175 मिनट दिया हुआ है कि 175 मिनट में हमें बताना है कि कितने बैक्टीरिया जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, और एक डिवीज़न जो है वो कितने में हो रहा है,
तो एक डिवीज़न के लिए बैक्टीरिया को 35 मिनट लग रहा है, तो टोटल डिवीज़न हमें यहाँ से पता चल जाएगा ना कि कितने डिवीज़न होने हैं यहाँ पे। तो टोटल डिवीज़न निकालने के लिए टोटल टाइम कितना है, 175 डिवाइडेड बाय 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 × 75 होता है, यानी कि 5 डिवीज़न्स जो हैं वो होने हैं। अब जो गिवन है वहाँ पे देखो, एक साइकिल मतलब जो चीज़ हमें गिवन है, सबसे पहले वो देखो गिवन में क्या है कि एक बैक्टीरिया के लिए 1×10⁵ सेल्स पर ml दिया गया है ना, पर ml दिया गया है, मतलब ये चीज़ हमें डाटा गिवन है ऑलरेडी, ये तो गिवन है। अब ये हर अगले मिनट में क्या कर रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ठीक है, अगर डिवाइड कर रहा है तो ये ट्वाइस होगा, तो नेक्स्ट मिनट में ये 1 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जाएगा। फिर मतलब जो हमारी फर्स्ट साइकिल हो जाएगी वो क्या हो रही है, 2×10⁵, ये फर्स्ट साइकिल है। फिर सेकंड साइकिल में आ जाएगा ये 2 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी ये यूनिट्स एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगी, इसको देखते रहिए। थर्ड साइकिल में क्या आ जाएगा, 2 का डबल कितना हो जाएगा, मतलब 4 का डबल 8 हो जाएगा सेल्स पर ml। फोर्थ साइकिल में क्या आ जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा। और फिर फिफ्थ साइकिल, क्योंकि चलानी कितनी है, 5 साइकिल ही तो चलानी थी, तो ये हो जाएगा 32×10⁵ सेल्स पर ml। तो फाइनली हमारा आंसर ये दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी देखना इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। सो टोटल टाइम 175 ये हो गया, और बाकी इस तरीके से तो जो हमारा आंसर निकल के आता है 2×10⁵। अगर कभी मतलब 32 ना दे करके आपको ये 2×5 देता है तो इसका मतलब भी यही होता है। 2×5 का मतलब है 2 को जो है वो 5 टाइम्स आप इंटू कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी तब भी 32 आएगा, और बाकी ये चीज़ एज इट इज़ सेम रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बाकी आज तक के लिए मतलब बच्चे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।